नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री श्याम बुटीक पर। और पिछले और लोग के वीडियो में आपने देखा कि और लोग मशीन कैसे चलती है और लोग के क्या क्या फायदे और उसको कैसे किया जाता है। अभी किसी यूट्यूब साथी ने बताया कि एक बार फिर से इसका किसी का कमेंट आया कि और लोग का वीडियो एक बार फिर से अपलोड कीजिए। तो ओवर लॉक में पैडल, अपन पैडल की बात करें तो पैडल सेम ही होते हैं, ओवर लॉक मशीन के पैडल पैडल भी और सिलाई मशीन के पैडल भी। अब आप नीचे देखिए, ये मैं पैडल आपको दिखाती हूँ, सेम वैसे ही जैसे कि सिलाई मशीन में होते हैं, बस मशीन जो है वो विपरीत दिशा में घूमती है। इसको अपन सीधा चलाएंगे, ये चलेंगे सीधे, लेकिन मशीन जो है वो उल्टी तरफ घूमेगी। अब मैं आपको मशीन को हमें उल्टी दिशा में घुमाने, मशीन जो है मशीन को हमें, ये मशीन का जो चक्का है इसको अपन उल्टी दिशा में घुमाएंगे। अब मैं आपको ओवरलॉक करके दिखाती हूँ, इसको अपन, इसके डायरेक्शन बिल्कुल जस्ट उल्टी होगी। सिलाई मशीन में अपन सीधा, सिलाई मशीन में अपनी तरफ घुमाते हैं मशीन को, और ओवरलॉक मशीन में अपन इसको उल्टी तरफ घुमाते। एक चीज का ध्यान रखना है कि इंटरलॉक करते समय कपड़े के दोनों तरफ हाथ रखना है। इस तरह थोड़ा सा निकाल के आगे, और कपड़े को दोनों हाथों से पकड़ना, आगे से भी और पीछे से भी, ताकि कपड़ा ना ज्यादा दबे और ना ही अपनी ओर लोग जो है वो बाहर की तरफ हो। सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और बहुत ही ये फिनिशिंग से आई है, और इससे जो भी एक्स्ट्रा धागे निकलते हैं कपड़े में वो नहीं निकलेंगे, और कपड़ा बिल्कुल, अगर घुसने वाला कपड़ा भी है, सिल्की कपड़ा भी है, तो भी इसके धागे नहीं छूटेंगे, और बहुत ही शानदार फिनिशिंग इसकी होगी। ये है मशीन, आप देखिए, और पैडल मैंने आपको दिखाई दिए हैं, सेम पायदान वैसे ही हैं जैसे कि सिलाई मशीन के होते हैं। हमें सिलाई पैरों पैडल की तरफ ध्यान ना देके मशीन के चक्के की तरफ ध्यान देना है कि इसको कैसे घुमाना है। इसको बिल्कुल उल्टी दिशा में घुमाना है, ऊपर विपरीत दिशा में घुमाना है। ये चक्का जैसे भी घूमे वो उस पर ध्यान नहीं देना, हमें केवल इसको देखना है।